अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज मेंटर, नॉलेज की दुनिया से एक और वीडियो आपके लिए। पिछले वीडियो में हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिया था स्टॉक एक्सचेंज के लिए कि स्टॉक एक्सचेंज में हम कैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं। आज उसको हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। स्टॉक एक्सचेंज के पास मैंने आपको बताया था कि कुछ ब्रोकरेज फर्म्स होती हैं जो स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड होती हैं। आप उन्हीं फर्म्स के थ्रू शेयर्स की खरीद और फरोख्त कर सकते हैं। आप डायरेक्ट स्टॉक एक्सचेंज में जाके इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। अगर आप स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग में भी जाएं तो वहाँ पर आपको कुछ ब्रोकरेज फर्म्स मिलेंगी। आपको वहाँ से जाके रजिस्ट्रेशन करके उनके थ्रू ये स्टॉक शेयर्स की खरीद और फरोख्त जो है वो करनी पड़ती है। तो सबसे पहला सवाल जो हमारे जहन में आता है वो ये है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन कौन सी फर्म जो है वो स्टॉक एक्सचेंज से रजिस्टर्ड है। कहीं ऐसा ना हो कि कोई ऐसी फर्म जो कि अपने आप को ये शो कर रही हो कि वो स्टॉक एक्सचेंज से रजिस्टर्ड है, या उन्होंने कोई नकली लाइसेंस बनाया हुआ हो और हम उनके धोखे में आ जाएं। तो इसका सबसे बेहतर तरीका ये है कि आप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पर जाएं, जो जो ब्रोकरेज फर्म्स हैं वहाँ पर रजिस्टर्ड हैं, आप उनकी डिटेल्स निकाल सकते हैं। स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट है psx.com.pk। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट है। नेट थोड़ा स्लो है इस वक्त जी। ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट जो है ये हमारे सामने खुल गई है। तो हम चूंकि इन्वेस्टर हैं तो हमने इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। तो यहाँ पर ये इन्वेस्टर्स की ऑप्शंस आ रही हैं आपके पास। इसमें आप अगर सेकंड ऑप्शन देखें तो वहाँ पर लिखा हुआ है सिलेक्ट सिलेक्ट योर स्टॉक ब्रोकर। आप इस पर क्लिक करें। यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शंस आ रही हैं, लिस्ट ऑफ ब्रोकर फर्म, ब्रांचेस ऑफ ब्रोकरेज फर्म। एक तो ये होता है कि ब्रोकर फर्म, बाज़ात फर्म जो होती है वो कराची की होती है, लेकिन उसका एक ऑफिस फैसलाबाद, लाहौर, इस्लामाबाद कहीं भी हो सकता है। तो जो पहली ऑप्शन है लिस्ट ऑफ ब्रोकरेज फर्म्स, इसमें वो लिस्ट आ रही है कि कौन कौन सी कंपनीज रजिस्टर्ड हैं। ब्रांचेज में उन कंपनीज की आगे फर्दर ब्रांचेज कहाँ कहाँ हैं वो डिटेल आ जाएगी। लेट सपोज मैं ये सेकेंड ऑप्शन खोल रहा हूँ। ये पीडीएफ का एक पेज है, ये हमारे पास आ गया। इसमें जो जो ब्रोकरेज फर्म्स हैं उनके नाम, उनके एड्रेस, उनके फ़ोन नंबर, उनके मैनेजर्स और ये सारी डिटेल यहाँ पर आ गई है। लेट्स सपोज आप लाहौर में हैं, मैं यहाँ पे सर्च बार में जाके लाहौर लिख देता हूँ। लाहौर में ये फर्म्स अब निकल रही हैं, सुमित कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड, इसका ऑफिस लाहौर में है। इसका मतलब ये है कि ये जो ब्रोकरेज फर्म है ये रजिस्टर्ड है, ये स्टॉक एक्सचेंज से हमने ये डिटेल्स निकाली हैं। तो ये रजिस्टर्ड फर्म है, लाहौर में इनका ये एड्रेस है, शाहराए ऐवान इकबाल, ये ऊपर रूम नंबर, ये वो सारी वो डिटेल्स इसकी आ गई हैं। आप नेक्स्ट पे जाएँ। ये एक दूसरी फर्म है BMA कैपिटल मैनेजमेंट लिमिटेड, ये भी लाहौर में है, क्या बने बान इकबाल में है। और ये इनकी आगे ब्रांचेज हैं। ये तीसरी फर्म हमारे पास आ गई है नेक्स्ट कैपिटल लिमिटेड, ये भी ब्रोकरेज फर्म है लाहौर में, इसका डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी में फेज 567 में है इसका ऑफिस। उसके बाद ये जफर सिक्योरिटीज़, काफ़ी फेमस है जफर सिक्योरिटीज़, काफ़ी पुराने हैं, ये भी यहाँ पे आ रही हैं, ये भी कायबान इकबाल में है। तो ये तरीका है कि आप अपने शहर का नाम लिखें और आपके शहर में कौन कौन से ब्रोकरेज फर्म की ब्रांचेज हैं वो आप डिटेल्स यहाँ से निकाल सकते हैं। ये बहुत आसान तरीका है आपके लिए। तो दोस्तों आज के इस लेक्चर में हमने आपको
ये तरीका बता दिया कि आप ब्रोकरेज फर्म जो है उसे कैसे तलाश कर सकते हैं, कौन कौन सी फर्म से आप रजिस्टर्ड हैं स्टॉक एक्सचेंज से, उसकी डिटेल्स कैसे निकालेंगे। आपने देखा इसमें मोबाइल नंबर, इसमें लैंडलाइन, इसमें एड्रेस, सारी डिटेल्स मौजूद हैं। तो आप इन ब्रोकरेज फर्म को पर्सनली विजिट करके इनसे रब्ता कर सकते हैं, इनके पास जाएँ, इनसे अकाउंट ओपनिंग का फॉर्म लें। और इनके पास एक टैरिफ होता है, टैरिफ के ऊपर इन्होंने लिखा होता है कि कौन सा शेयर बेचने पर आपको कितने टैक्सेस पे करने पड़ते हैं, कितने अदर चार्जेस हैं। लेट सपोज आपने शेयर आज उठाया है, आज ही बेच दिया है, किस कंपनी का शेयर है, उसकी कितनी वैल्यू है, उस पर कितना टैक्स चार्ज होगा। ये चीज़ें आपको शेयर्स की खरीदो फरोख से पहले पता होनी चाहिए, ताकि आप उसको फरोख करने से पहले आपको पता हो कि अगर मैं इस रेट पे इस शेयर को बेचूंगा तो उसका मुझे कितना फ़ायदा या नुकसान होगा। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, अगले लेक्चर में हम आपको इंशाल्लाह और इसकी डिटेल्स बताएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।